राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अपनी प्रधानाचार्य पर वसूली करने, डराने, धमकाने व प्रताड़ित का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। साथ ही प्रधानाचार्य पर यह भी छात्राओं ने आरोप लगाया कि महिला विद्यालय होने के बावजूद प्रधानाचार्य के पति का विद्यालय में दखल रहता है, जिसकी नज़र छात्राओं के प्रति गलत रहती है, जिससे छात्राएं परेशान हैं। इसलिए प्रधानाचार्य को वहां से हटाकर किसी दूसरी प्रधानाचार्य को वहां तैनात किया जाए। पहले भी आधा सैकड़ा की संख्या में छात्राएं जिला विद्यालय निरीक्षक सहित शिक्षा विभाग व स्थानीय प्रशासन को अपनी समस्याएं अवगत करा चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। बता दें कि पूरा मामला कमासीन थाना क्षेत्र के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का है, जहां की छात्राएं आज अपने अभिभावकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पर इन्होंने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य हेमलता वर्मा पर कई आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया और हेमलता वर्मा को वहां से हटाए जाने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने पूरे मामले में जांच कर आवश्यकता कार्रवाई करने का छात्राओं को आश्वासन दिया। एक तरफ सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करती है, वहीं बांदा में छात्राओं में इस कोरोना संकट में अनाधिकृत रूप परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिकायत लेकर पहुंची छात्राओं व उनके अभिभावकों ने बताया कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हेमलता वर्मा से हम बहुत परेशान हैं। जहां एक तरफ हेमलता वर्मा स्कूल फीस, परीक्षा फीस, ड्रेस ऑनलाइन फॉर्म व अन्य कई मदों में छात्रों से पैसे की वसूली करती हैं, तो वही पैसे ना देने पर या छात्राओं को परेशान करती हैं और परीक्षाओं में फेल कर देने और प्रैक्टिकल में नंबर ना देने की धमकी देती हैं। यही नहीं, अगर छात्राएं कहीं शिकायत करने की बात कहती हैं तो यह छात्राओं के परिजनों को उल्टे सीधे केसों में फंसाने की भी धमकी देती हैं। छात्राओं व उनके अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि हेमलता वर्मा का पति स्कूल में ही रहता है और छात्राओं को गलत नज़र से देखता है। हम लोग यह चाहते हैं कि इन्हें तत्काल यहाँ से हटाया जाए और किसी दूसरे प्रधानाचार्य को यहाँ नियुक्त किया जाए, जिससे हम लोग मन लगाकर पढ़ाई कर सकें और अपने देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। डिप्टी कलेक्टर सौरभ शुक्ला ने बताया कि कुछ छात्राएं प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायतें लेकर आई थी। हम इस मामले को गंभीरता से दिखवा रहे हैं और जांच के बाद इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए बांदा से संवाददाता उमेश यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू मिश्रा है। कहाँ से आई हैं? कमासी से, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी मैम, हमारी हेमलता मैम, उसका पति सुभाष वर्मा की कानूनी तरफ से किसी भी तरह से हमसे पैसे लूटता है। एनसीसी की अभी ड्रेस दिया 500 रुपए में, प्रोजेक्ट 1500 में, और जो हम फीस नहीं देते प्रोजेक्ट में तो 3000 रुपए मांग रही थी, मांगा है, नहीं दे पाए। जैसे गरीब घर की लड़कियां हैं, नहीं दे पाती, हमें फेल कर देती, देती भी हैं, और जो दे दिया फिर भी हम लोगों को ना तो प्रवेश पत्र दिया है, ना तो कुछ देती, ना पेपर देती, धमकी देती रहती हैं तुम्हें फेल कर देंगे। और जैसे हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उनसे कहते हैं, सर से कहते हैं, अधिकारियों से कहते हैं, तो वो जाके हमारे पापा के ऊपर, गार्जियनों के ऊपर हरजन बस्ती लगवा देती है, थानों पे वो करती है, और हम लोगों के घर जा जा के धमकी देती रहती हैं। और कोई हमें पढ़ाई की, ना कोई हमें अच्छी पढ़ाई मिलती है, ना कुछ, हम इतना पैसे भी देते हैं फिर भी हमें पढ़ाई की कोई टीचर नहीं है वहाँ, और कुछ ऐसे ही वो करते रहते हैं। सुभाष वर्मा आके हमारे बीच में धमकाते रहते हैं। कौन है ये सुभाष वर्मा? हेमलता वर्मा का हस्बैंड। ये स्कूल में कोई पद में है? कोई पद में नहीं है, कोई पद में नहीं है, न सरकारी कोई टीचर है, लेडीज कॉलेज है, वहाँ लेडीज बस रहते हैं। कितनी छात्राओं के साथ ये बदसलूकी करती है? 300-400 लड़कियाँ, सारी लड़कियाँ, लेकिन स्कूल नहीं खुल पाए। लेकिन अभी हमारे पास 300 बच्चियों के साथ हम हैं, लेकिन यहाँ साथ ही बच्चियों के साथ है डीएम ऑफिस। आप लोगों ने जिला निरीक्षक से शिकायत की थी इस बारे में, तो उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की आप लोगों ने? उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, कह देते हैं कि हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई जाँच नहीं हुई, कोई जाँच नहीं हुई। आज आप कहाँ आई हैं? आज हम आए डीएम ऑफिस। आपने शिकायत तो की थी ना? हाँ, हम उनसे शिकायत की है, फोन पे भी बात किया है।
वो कह रहे थे कि हाँ हम बेटा करेंगे, आपको मिलेगा, ये है वो है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं की है। क्या चाहते हैं आप? हम ये कहते चाहते हैं कि ये हट जाए, हमें अच्छी टीचर चाहिए और अच्छी हमें पढ़ाई हो और हम आगे बढ़ सकें। मैं आपका? मेरा नाम है किरण मोहन। किस स्कूल के आप छात्र हैं? जीजीआईसी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से। गाँव को थाना ने क्या लगता है आपके? अच्छा, क्या है आप लोगों की समस्या? आप लोगों ने पहले भी इस बारे में समस्या को अवगत कराया था अधिकारियों को, आज फिर आई है, क्या है पूरी समस्या? हमारी समस्या ये है कि मतलब हम लोग वहाँ अपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते और मतलब वो मतलब लेडीज कॉलेज है और वहाँ हेमलता मैम के हस्बैंड भी आते जाते वहाँ रहते हैं। अब हम लोग कोई छोटे बच्चे तो अब है नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बुरी नज़र डालते हैं कि हम लोग को शर्म आ जाती है उनकी मतलब नज़र उठा के देखने में। हम लोग ये नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे, ना हो, ना ही उनको चाहते, ना ही उनकी वाइफ को चाहते, हमें दूसरी प्रिंसिपल चाहिए, बस चाहिए, हम यही चाहते हैं। क्या लगता है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाती है वो बिल्कुल विपरीत जा रही है? जी बिल्कुल व्यर्थ है, हमें तो यही लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, ये सारा दिखावा है, ढोंग है, यही हो रहा है। अब मतलब इसी की वजह से मतलब गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को कॉलेज में डालते हैं, सोचते हैं कुछ पढ़ लिख लेंगी तो कुछ मतलब कर लेंगी अपने जीवन में, लेकिन सर ये नहीं हो रहा है। क्या किस तरह की धमकियां देते हैं, किस फीस किस तरह से मांग रहे हैं, किस चीज़ की कितनी ज़्यादा अधिक मांग रहे हैं, गरीबों से किस तरह परेशान कर रहे हैं? फीस जहाँ लगती है 800 रुपये लगते हैं, तो वहाँ 2-3 हज़ार हम लोग के लिए जा रहा है। जैसे मतलब हम लोग का एग्ज़ाम भी हो जाता है, लेने जाते हैं वो रिजल्ट लेने जाते हैं, टीसी लेने जाते हैं, तो 3-4 हज़ार रुपये मतलब इससे नीचे नहीं देती, जब पैसे लेती है तब देती है। धमकियाँ भी देती हैं? हाँ, धमकियाँ देती हैं कि हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, और मतलब हाथ में दे देती हैं, छीन भी लेती हैं, तो फिर इस तरह में गुस्सा आ जाता है। आप लोगों का अध्ययन नहीं हो पा रहा इनकी वजह से? इनकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम डीएम ऑफिस आए हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिले। कितनी छात्राएं हैं कि इनसे प्रताड़ित हो रही, परेशान हो रही हैं? हम लोग 300-400 छात्राएं हैं, लेकिन कुछ की मजबूरियां हैं वो नहीं आ पा रही हैं, और घर जाती हैं, घर जाके मतलब धमकाती हैं, डराती हैं कि मतलब जैसे अब घर के गार्जियन है, रात बिरात कहीं भी कोई आता जाता है कि मैं तुम्हें ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुम्हें जान ले लूंगी। अच्छा, इसके पहले आपने शिकायत की थी यहाँ के जिला निरीक्षक से, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की अभी तक प्रधानाचार्य के ऊपर? सर कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। आवाज हम लोगों ने काफी उठाई, लेकिन सर यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अभी सर मेरी टीसी नहीं मिली, मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भविष्य खराब हो रहा है? जी सर हो रहा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? सर हम तो यही मांग करते हैं कि मतलब हमारी टीसी दे दे, हमारा रिजल्ट दे दे, हम भी अपना वो करवा लें, और मतलब जो हमसे छोटी या बड़ी बहनाओं हैं उनको भी दे, उनका मिल जाए तो वो भी करवा लें, लेकिन सर ये नहीं हो रहा है। लेकिन सर हम भी ये बोले दे रहे हैं कि अगर हमारा मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, टीसी नहीं मिल रही है, और हम इसे 100% नहीं रहने दे रहे कहाँ से, इसे हमको निकलवाना है, हमको दूसरी टीचर चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथु शुक्ला है, मैं कमासिन का रहने वाला हूँ। आज का इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य की समस्या है, वो अवैध धन की वसूली करती है, बच्चियों का शोषण करती है, उसका पति जो है गलत निगाहों से हमारी बच्चियों को देखता है, उसका विरोध करने पर बच्चियों के साथ परीक्षाओं में प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देती, और तमाम की तरह की घास काटना और इस तरह की यातनाएं देती है, बहुत परेशान है हम। अच्छा, आपने इस बात को लेकर शिकायत की थी, तो प्रधानाचार्य अब किस तरह से आप लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं? अब प्रधानाचार्य इस समय ये परेशान है कि हमारा किसी तरह से मुकदमा SC ST का इन लोगों के खिलाफ लग जाए। किसके खिलाफ लगाना चाह रही है? अभिभावकों के पास साथ जो जिन लोगों ने उसके विरोध में कार्रवाई की गई। अच्छा, ये बच्चियों को किस तरह से प्रधानाचार्य परेशान कर रही है आप लोगों की? बच्चियों को परेशान करती है, इसीलिए अभिभावक खड़े हुए हैं, सब जगह शिकायत किया है, अब शिकायत करने वाले को जो है फंसाना चाहती है कि किसी तरह से इनको दबा दें। बाद हर साल जो है कम से कम 25-30 लाख वो उगाही करके ले जाती है बच्चियों का पैसा, फीस के नाम पे वसूली कर रही है, फीस के नाम से और फार्म ऑनलाइन करने के नाम से, ड्रेस के नाम से, इस तरह से कई मदों में पैसा वो लेती है। अच्छा, आपने इसके पहले शिकायत की थी, तो उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की है यहाँ की? कार्रवाई क्या, हमने अभी तक प्रार्थना पत्र ही दिए हैं, एक महीने से प्रार्थना पत्र चल रहा है, कोई अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानाचार्य यहाँ से हट जाए और कोई सही प्रधानाचार्य आए और बढ़िया सुचारू रूप से बच्चियाँ पढ़ सकें,
और ऐसे उसके पति को जो वहाँ गंदी हरकतें करता है, इस तरह के लोगों को वहाँ से हटाया जाए। कितनी बच्चियाँ हैं स्कूल में जो इस तरह से तंग पर हो रही हैं? सब तो परेशान है, सभी अभिभावक परेशान है, सभी बच्चियाँ परेशान हैं। 500 लड़कियाँ उस विद्यालय में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथु प्रसाद शुक्ला है। कहाँ से आए हैं? मैं कमासिन से हूँ। कमासिन क्षेत्र से कुछ जो है छात्राएं आई थी, उनकी कुछ समस्याएं थी, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आज? कमासिन क्षेत्र की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कमासिन की कुछ छात्राएं आई थी, उन्होंने प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायत की, जिसकी जांच है डीआईएस को निर्देशित।